हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रकाश और आप देख रहे हाउस प्लान्स आर्किटेक्चर डिजाइन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे 42 फीट बाय 43 फीट बंगलो प्लान, जिसमें कंसिस्ट है थ्री मास्टर बेडरूम प्लस लिविंग, डाइनिंग और किचन। तो फर्स्ट उसके ग्राउंड फ्लोर प्लान पे जाते हैं और ग्राउंड फ्लोर प्लान पे देखते हैं। तो ये जो प्लान है वेस्ट फेस है, तो इसका एंट्रांस वेस्ट साइड में है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर जो दिया है ये 5 स्टेप दिया है। ये स्टेप्स है। तो उसके बाद वरांडा जो लगता है, जिसका साइज है यहाँ से ये वरांडा है 10 फीट ऐसा है, और ऐसा जो है वो 19 फीट है यहाँ तक। और ये जो है यहाँ से 22 फीट 5 इंच बाय 7 फीट का, 7 फीट ऐसा वाइड। तो इसमें जो एंट्रेंस दिया है ये बेडरूम के साइड वॉल से दिया है। ये जो एंट्रेंस है 3 फीट 7 इंच बाय वाइड दिया है एंट्रेंस। इसमें अंदर जाते ही लिविंग जो लगता है, वो लिविंग का जो साइज है 18 फीट 10 इंच बाय 17 फीट 2 इंच। तो ये बहुत बड़ा ऐसा लिविंग दिया है यहाँ पर। उसके बाद लिविंग के वेंटिलेशन के लिए हमने 7 फीट का विंडो दिया है जो नॉर्थ साइड में है, और वेस्ट साइड में जो दिया है वो 5 फीट का विंडो दिया है। उसके बाद इसके पीछे ही डाइनिंग है, जिसका साइज है 16 फीट 9 इंच बाय 10 फीट, और उसमें भी यहाँ पर 4 फीट और यहाँ पर 4 फीट ऐसा 2 विंडो दिया है। उसके बाद इसके बाजू में है किचन दिया है, जो कि किचन का साइज है 11 फीट 9 इंच बाय 10 फीट। और इसके लिए एक चिमनी का आउटलेट, इसके लिए एक विंडो दिया है 3 फीट का, और यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन के लिए 3 फीट का एक विंडो प्लस वेंटिलेशन के लिए दिया है। और इसको ज़्यादा वेंटिलेशन के लिए उसके साउथ साइड में जो विंडो दिया है, जिसका साइज है 5 फीट लेंथ में। उसके बाद फिर से हम लिविंग में आते हैं। तो लिविंग में आने के बाद हमने ग्राउंड फ्लोर पे एक मास्टर बेड दिया है, जो जिसका साइज है 16 फीट 3 इंच बाय 12 फीट, और उसके वेंटिलेशन के लिए वेस्ट साइड में, जो कि फ्रंट साइड में, 4 फीट का 2 विंडो दिया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर जो मास्टर टॉयलेट दिया है, ये वॉक इन क्लोजेट, इसको हम ड्रेसिंग रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका कपड़ा रहेगा तो यहाँ पर इसको कबर्ड बनेगा, तो इसको हम ड्रेसिंग रूम भी बोल सकते हैं, जिसका साइज है 8 फीट बाय 8 फीट। और हमने टॉयलेट जो दिया है उसका भी साइज है 8 फीट बाय 8 फीट, और उसके लिए 3 फीट का हमने विंडो दिया है टॉयलेट के वेंटिलेशन के लिए। वहां से सीधा हम लिविंग में आने के बाद यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, तो 9 स्टेप हमने दिए हैं प्लस है मिड लैंडिंग, उसके बाद अपर लैंडिंग, और यहाँ से सीधा हम ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर का प्लान देखते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर का ऐसा प्लान है, यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर आने के बाद हमें सीधा हम टेरेस पे भी जा सकते हैं, और 2 बेडरूम जो है मास्टर बेडरूम उसमें भी डायरेक्टली जा सकते हैं। तो पहले हम मास्टर बेड का जो इस साइड में है उस पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ से हम इंटर करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ से इसको ओपनिंग है, इसका डोर यहाँ पर आएगा, तो यहाँ से इंटर करते हैं। ये मास्टर बेडरूम है,
जिसका साइज 13 फीट बाय 11 फीट 6 इंच है, और उसका उसको इस साइड में हमने एक 5 फीट वाइड ऐसा विंडो दिया है, और नॉर्थ साइड में 5 फीट का एक और एक विंडो दिया है, और जो टेरेस का ओपनिंग है वो उसी साइड में हमने 4 फीट का एक विंडो दिया है वेंटिलेशन के लिए। और उसके लिए वहां पर वो बेडरूम पे हमने मास्टर टॉयलेट जो दिया है, जिसका साइज है 6 फीट 2 इंच बाय 11 फीट 6 12 फीट 6 इंच, जिसमें कंसिस्ट करेगा शॉवर एरिया और टॉयलेट का ड्राई एरिया। उसके बाद हम वापस स्टेयर पे जाते हैं, वहां से हम टेरेस पे जाने के लिए हमें ओपनिंग है उसका, तो वहां पर टेरेस है, तो टेरेस का जो ओपनिंग है ओपनिंग के बाद हम टेरेस पे जाएंगे, तो टेरेस में हमें जो टेरेस का स्पेस है वो 10 फीट 2 इंच बाय 10 फीट 1 इंच का है, जो बहुत ही वाइड है और स्पेसेबल बहुत है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा दूसरे मास्टर बेडरूम में, तो दूसरे मास्टर बेडरूम में यहाँ से हम यहाँ इंटर करेंगे, यहाँ से इसको ये ओपनिंग है, और इसका जो साइज है 16 फीट बाय 3 इंच, 16 फीट 3 इंच बाय 12 फीट ऐसा है, जो कि हम ग्राउंड में जो किया है वही कॉपी ऊपर किया है। सेम वैसा ही पाउडर रूम, जिसको हम ड्रेसिंग रूम भी बोल सकते हैं, 8 फीट बाय 8 फीट का, और टॉयलेट भी वैसा ही सेम नीचे जैसा दिया है वैसा हमने कॉपी किया है ऊपर। उसके बाद हम यहाँ पर हमने नीचे जैसा 4 फीट का विंडो दिया है, दो जो कि साउथ साइड में और वेस्ट साइड में है, वैसा यहाँ पर और यहाँ पर हमने दिया है। और यहाँ से सीधा हम चलेंगे तो हमें एक बड़े साइज में ऐसा टेरेस का स्पेस मिला हुआ है, जो कि जो नॉर्थ साइड और वेस्ट साइड फेसिंग है, जिसका साइज है 15 फीट 5 इंच बाय 15 फीट 9 इंच। के बाद ये हो जाने के बाद इस ये जो मार्क मार्क लाइन है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये बिल्डिंग का आउटर लाइन है जो हम एक्सटेंड पोर्शन किया है, जो कि इसका जो स्लोप है यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक किया, तो ये स्लोपिंग स्लैब में इसका स्लोपिंग स्लैब है, और जिसका एक्सटेंडेड पोर्शन जो है यहाँ पर यहाँ तक आया है, इसके लिए ये डॉटेड लाइन दिया हुआ है। तो हम इसके बाद हम सीधा चलते हैं उसके फ्रंट एलिवेशन पे, जिससे ये बंगलो का लुक हमें पता चल जाएगा। तो चलिए फर्स्टली जाते हैं हम उसके फ्रंट एलिवेशन पे, तो इसका फ्रंट एलिवेशन जो है कुछ इस तरह से है। फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर हमने स्टेप्स देखे हैं, ये 5 स्टेप्स हैं ऊपर जाने के लिए, ये जो विंडो दिखाया ये 6 फीट का विंडो है, यहाँ पर एक ओपनिंग है जो कि हम लिविंग में एंटर कर सकते हैं, और ये जो फ्रंट साइड से यहाँ पर दिखाया है, यहाँ पर जो दिखाया है ये वाला पोर्शन वो यहाँ पर है। उसके बाद ये स्लोपिंग स्लैब आएगा वरांडा के एरिया में, ये मास्टर बेडरूम का विंडो है, सेम ऊपर जो हमने कॉपी किया है फर्स्ट फ्लोर पे वो इसका विंडो है। फिर यहाँ पर ये जो टेरेस दिया है जो कि बड़े साइज में है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ये टेरेस का यहाँ पर लुक दिखाया है ये ऐसा, और यहाँ पर थोड़ी सी डिजाइन हमने की है, ये मास्टर बेडरूम का ओपनिंग है जो कि वो बेडरूम है, ये वाला बेडरूम है, ये जो ओपनिंग है उसका दरवाजा यहाँ पर दिया हुआ है, और ये जो है स्टेयरकेस कैप दिया है, और बाकी इसका जो स्लोप दिया है यहाँ पर हमने डिजाइन किया है स्लोपिंग पे, यह डिजाइन दिया हुआ है। तो इसका फ्रंट एलिवेशन ये हुआ, हम देखते हैं इसका साइड एलिवेशन।
तो साइड इलेवेशन में हम देखेंगे पहले नॉर्थ साइड का। नॉर्थ साइड में अभी हम देखें, पहला जो दिखाई दे रहा है वो वरांडा दिख रहा है, जो कि ये साइज हम देख रहे हैं, ये वाला साइड, तो 32 फीट बाय 5 इंच का, 32 फीट बाय 5 इंच का ये वाइड स्पेस है जो कि वरांडा है। और एक यहाँ पर हमने छोटे छोटे कॉलम लिए, जैसे कि हम यहाँ पर प्लास्टर का, जो प्लास्टर में यहाँ पर हम डिजाइन बना सकते हैं। फिर ऊपर यहाँ पर जो टेरेस रहेगा, जो कि यहाँ पर जो बेडरूम रहेगा इसके फ्रंट में, वो हमने फ्रंट साइड में आपको दिखाया। उसके बाद नीचे यहाँ पर जो विंडो दिया है 4 फीट वाइड है, वो है डाइनिंग में, जो कि उसका वेंटिलेशन वेंटिलेशन के लिए काफी प्रोवाइड किया है, डाइनिंग में भी वेंटिलेशन। उसके बाद यहाँ पर ये स्टेयरकेस कैप, जो कि स्टेयरकेस के टॉप का स्लैब आएगा वो, और ये बाकी स्लोपिंग दिया है और उस पे हमने अच्छी तरह से थोड़ा सा डिजाइन किया है। ये नॉमिनल डिजाइन है, यहाँ पर आप चेंज भी कर सकते हैं डिजाइन। उसके बाद दूसरा जो देखेंगे हम, इस साउथ साइड वाला इलेवेशन, जो कि हमें पीछे के साइड से दिखेगा, आपको दिखा था मैंने, जो कि ये साइड से दिखेगा, ये वाला, ये साउथ साइड का। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे, ये मास्टर बेडरूम है ग्राउंड फ्लोर का, इसका विंडो है। उसके बाद ऊपर का जो मास्टर बेडरूम है फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, तो उसका ये विंडो है। स्टेरकेस अपना जो टॉयलेट रहेगा, मास्टर टॉयलेट, जो कि ये टॉयलेट है, इसका ये विंडो वाला इधर दिखाई दे है। यहाँ पर ये ऊपर का है फर्स्ट फ्लोर का और ये ग्राउंड फ्लोर का। और हमने स्टेरकेस जो दिया है, जो आपको ये ग्राउंड में चले दिखाएगा, यहाँ पर 3 फीट वाइड विंडो दिया है, 2 स्टेप में, फर्स्ट लैंडिंग पे और फर्स्ट फ्लोर पे, ऐसा 2 विंडोज दिया है, नीचे 2 और ऊपर 2। और ये है ये साइड से स्टेरकस क्या, यहाँ पर जो बालकनी दिया है टेरेस, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिखा था, ये जो बालकनी है 12 फीट बाय 2 इंच बाय 10 फीट 1 इंच, जो बालकनी यहाँ पर दिखा है। और यहाँ पर हमने फर्स्ट फ्लोर में कॉलम हाइड करके ऊपर लिया है, जो कि हम प्लास्टर में इसको डिजाइन भी कर सकते हैं। उसके बाद ये जो है आप देख सकते हैं, ये किचन का विंडो है, जहां पर ये ऐसा घुमा के यहाँ तक ऐसा किचन उठाएगा। उसके लिए ज्यादातर वेंटिलेशन देने का प्रयास हमने यहाँ पर किया है। तो उसके बाद यहाँ पर ये स्लोपिंग स्लैब है और उसमें छोटी छोटी से डिजाइन किया है। टोटल इसका सेकेंड फ्लोर तक तो बिल्डिंग का हाइट है 29 फीट बाय 8 इंच आता है। और जो रोड से ऊपर जो है हमने ये प्लान दिया है, मतलब रोड के, यहाँ पर रोड है तो रोड से ऊपर हमने 2 फीट हाइट पे इसका प्लेन का टॉप आया है, इस तरह से ये प्लान लिया था हमने। तो ये था 42 फीट बाय 43 फीट का प्लान। आपको कैसा लगा आप कमेंट में भी लिख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इस वीडियो के देखने के लिए धन्यवाद।